Hello and good morning, dear student. Today we are going to start our computer class chapter 2. Okay, and what is your chapter 2? Function and manipulation in Excel. Your chapter 2 is functions and manipulation in Excel, and this is the next new topic. एंड वॉट इज टूडेज टॉपिक इज टेक्स्ट फंक्शन. जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो कंप्यूटर में एक्सेल पे जो वर्क होता है टोटली फंक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो हम लार्ज वॉल्यूम के डाटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, उस पर अधिक से अधिक हम ऑपरेशन कर सकते हैं. तो उसमें जो हम पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, टेक्स्ट फंक्शन. ओके, Excel text functions help you to manage the text data in your spreadsheet. Spreadsheet क्या होता है, जो Excel हमारा होता है उसको हम spreadsheet software भी बोलते हैं, और उस पर जो data होता है उसको हम manage करते हैं. लेकिन किस तरह के data को, जो text से बना होता है. टेक्स्ट मतलब जो letter उटर से बना होता है वो हमारा textual data है, उसको हम किस फंक्शन से मैनिपुलेट करते हैं, टेक्स्ट फंक्शन से. ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन से. ओके, हियर इन दिस टेबुलर फॉर्मेट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्स्ट फंक्शन एंड विच टाइप. ओके, हियर सिंटैक्स पर्पज एग्जांपल. एग्जांपल क्यों, क्योंकि जो हम सिंटेक्स यूज करेंगे उसका यूटिलाइज भी करके देखेंगे क्या वो काम हो रहा है कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट इज कनेक्टनेट. कनेक्टनेट किसका, अब देखते हैं उसमें क्या पर्पज है उसका, और एग्जांपल से देखते हैं कि उसमें आखिर में हो क्या रहा है इस टेक्स्ट फंक्शन को यूज करने पे. देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, जो आपको शुरू में ही हम बता दिए हैं कि कोई भी फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो सेल में वो तब तक एरर शो करेगा जब तक आप इक्वल टू साइन वहाँ पर नहीं लगाते हैं. क्लियर है, तो कनेक्टनेट एक फंक्शन है. तो देखिए सिंटेक्स क्या तैयार हो रहा है, कनेक्टनेट CONCATENATE कनेक्टनेट टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, यानी कि दो वर्ड अलग अलग हैं उसको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टनेट. देखिए अब इस फंक्शन का पर्पज क्या है, ज्वाइंस मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन, जो अलग अलग टेक्स्ट है उसको एक बनाना, मतलब कि दो अलग अलग वर्ड को एक में ऐड करना का काम कौन करता है, कनेक्ट नेट. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम कनेक्ट नेट का एग्जांपल लेकर देखते हैं. इक्वल टू पहले लगा है, वेरी गुड, फिर कनेक्ट नेट फंक्शन लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट में देखिए माई अलग है, कंट्री अलग है, बट जब हम कनेक्ट नेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो माई कंट्री हमारा एक साथ आ रहा है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सेल में था वो माई कंट्री अलग अलग वर्ड है, बट हम चाहते हैं कि माई कंट्री एक साथ आए, तो इसके लिए कौन सा बेहतर होगा, कनेक्ट नेट. ठीक है, कनेक्ट नेट फंक्शन हमारा बेस्ट होगा. नेक्स्ट है लेन टेक्स्ट. लेन टेक्स्ट मतलब लेंथ, कितने लेटर्स का यूज हो रहा है उसमें हम उसको काउंट करके जान लेते हैं. ठीक है, इसका पर्पज क्या है, रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग इन स्पेसेज, जो वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है सेल में, वो स्पेस के साथ कितने लेटर यूज हुआ है उसको काउंट करने का काम कौन करता है, लेन फंक्शन. ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इक्वल टू लेन ब्रैकेट में टेक्स्ट. तो देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इक्वल टू लेन फंक्शन, अब ब्रैकेट में क्या है, डबल इनवर्टेड कॉमा में कंट्री, अब इस कंट्री को क्या करेगा, काउंट करेगा. तो देखिए पहले क्या है, सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कंट्री में कितनी स्पेलिंग है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन स्पेलिंग है, इसलिए एक आंसर क्या आपका आया, सेवन. ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज लोअर टेक्स्ट.
लोअर टेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? लोअर एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं, तो क्या होता है ये हम देखते हैं। रिटर्न्स टेक्स्ट इन लोअर केस, लोअर केस होता है स्मॉल लेटर यूज कर लिखने के लिए, ठीक है। बाय द वे, यदि हम टाइपिंग कर दिए हैं कैपिटल लेटर या सेंटेंस केस में या टुगल केस में, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं लोअर केस में, स्मॉल लेटर चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? लोअर केस यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, इक्वल टू साइन, फिर लोअर आपका फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर कंट्री किस तरह लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, और इक्वल टू करते ही हमारा कंट्री कैसा हो गया, स्मॉल लेटर में। यानी कि लोअर टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो टेक्स्ट है हमारा स्मॉल लेटर का हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज अपर टेक्स्ट स्मॉल लेटर, वाइस वर्सा, लोअर टेक्स्ट और अपर टेक्स्ट क्या है, वाइस वर्सा, एक दूसरे से ठीक अपोजिट है। तो लोअर टेक्स्ट में छोटा होता है और अपर टेक्स्ट में टेक्स्ट क्या होता है, कैपिटल लेटर में यूज राइट हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिटर्न टेक्स्ट इन अपर केस, टेक्स्ट किस में रिटर्न हो जाएगा, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगा है, अपर फंक्शन लगा है, कंट्री देखिए स्मॉल लेटर में, डबल इनवर्टेड कॉमा में, लेकिन इक्वल टू करने पर एंटर बटन दबाते ही कंट्री हमारा किस में आ गया, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट इज इक्वल टू राइट टेक्स्ट 9, राइट टेक्स्ट n है, n संख्या काउंट करेगा कहाँ का, टेक्स्ट के राइट साइड के तरफ का, टेक्स्ट के राइट साइड तरफ का। तो जो हमारा हाथ का राइट साइड होता है सिस्टम में भी वही राइट साइड होता है, यदि हमारे हाथ का लेफ्ट साइड हमारा जो है आपको पता होगा तो वो सिस्टम में भी लेफ्ट साइड वही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, टेक्स्ट का एन कैरेक्टर, अब एन कैरेक्टर मतलब कितना, 3, 4, 5 जितना भी आपको है काउंट करना आप काउंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लगा है, इक्वल टू राइट टेक्स्ट कॉमा एन। अब इसी तरह से ये क्या करेगा, रिटर्न्स एन कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से स्टार्टिंग होगा और एन कैरेक्टर को काउंट करके देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखते हैं इक्वल टू लगा है, फिर राइट क्या है, राइट क्या है, फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे कंट्री, कंट्री के बाद कामा करके 3 लगा है, यानी कि कंट्री में जो लास्ट से राइट साइड से स्टार्ट हुआ है 3 डिजिट उसको काउंट करके यहाँ पर टाइप कर दो। तो देखो यहाँ पर आया है इक्वल टू लगा है, फिर TRY 3 नंबर 3 डिजिट ही, मतलब कि 3 लेटर्स ही हमारा राइट साइड से आपका आंसर में आया है, क्लियर है। देन वी हैव टू मूव नेक्स्ट, दिस इज सिंटेक्स पर्पस एग्जाम्पल, यू नो दैट ऑलरेडी लाइक दैट प्रीवियसली। इक्वल टू हियर नेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू मिड टेक्स्ट, इक्वल टू मिड टेक्स्ट स्टार्ट पोजिशन नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, मिड टेक्स्ट स्टार्ट पोजिशन नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये क्या शो करेगा, रिटर्न द मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, बिगिनिंग फ्रॉम द, यानी कि जब हम लिखते हैं कोई वर्ड यानी कि लेफ्ट साइड से वहां से काउंट करके देगा, ठीक है। लेकिन कैसे देखते हैं, इक्वल टू मिड आपका फंक्शन लगा, अब देखिए यहां पे डबल इनवर्टेड कॉमा क्या है, माई कंट्री को चौथे नंबर से 5 लेटर को प्रिंट करना है, 5 लेटर को प्रिंट करना है यानी कि 5 लेटर को। तो देखिए चौथा लेटर क्या हुआ, इसमें एक डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 हो गया, 3 एम हो गया, वाई 4 हो गया, यानी कि 4 के बाद 5 लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए काउंट आया है ना आपका COUNT, यानी कि मिड से हम लेटर को उठा सकते हैं जितने नंबर्स जितने पोजीशन तक की हमें रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। तो ये रहा आपको टेक्स्ट फंक्शन, जो टेक्स्ट पर ही हम आप अप्लाई करके अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इज
मैथमेटिकल फंक्शन। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फंक्शन, नेम से ही पता चल रहा है कि मैथमेटिकल फंक्शन में होता क्या है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। ओके, लेट्स वी हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक। एक्सेल्स मैथमेटिकल फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन। एडिशन क्या होता है, जोड़ने को कहते हैं। सम ऑफ फंक्शन, मतलब एडिशन के लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सम फंक्शन यूज करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं। एंड डिवीजन एंड फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, डिवीजन भी करते हैं और स्क्वायर रूट मतलब कि वर्गमूल निकालते हैं। यानी कि ये सब क्या हुए, मैथमेटिक्स के फंक्शन हुए, जो कि हमें मैथमेटिकल यदि कोई गणना करना है, गणती आकलन करना है, तो हमें इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस की आवश्यकता होगी। देखते हैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट के हेल्प से, सिंटेक्स, पर्पज, एग्जांपल। ओके, तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं एक एक करके। इक्वल टू सम नम वन नम टू, यानी कि दो नंबर को जोड़ना है, कौन कौन से नंबर को, नम वन और नम टू, नंबर वन और नंबर दो को जोड़ना है, तो क्या आएगा, रिटर्न्स द सम वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। तो जो आर्गुमेंट, यानी कि जो आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट हुआ, ठीक है, नम वन नम टू क्या हुआ, आर्गुमेंट हुआ, इसको जोड़कर रिटर्न्स करेगा वैल्यू को। ये देखिए, इक्वल टू सम फंक्शन लग गया और ब्रैकेट में 75। अब इसको क्या करेगा, ऐड करेगा, तो देखिए 12 आपका रिस्पेक्टेड वैल्यू आया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ब्रैकेट में नम वन नम टू, देखिए क्या देता है, रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज गिवेन एज द आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है, जो नम वन नम टू है वही आर्गुमेंट है, यानी कि प्रोडक्ट करेगा किससे किसका, नम वन से नम टू का। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट 9, 10, 12, यानी कि थ्री नंबर्स हैं, थ्री नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 9 से 10 का करिए, 10 से 12 का करिए, 12 से 9 से करिए, 9 से 10 का करिए, तीनों को किसी भी तरह से करेंगे तो आपका आंसर 1080 आएगा। जैसे कि 12 9 जा, यदि 12 और 9 में करते 12 9 जा 108, और 10 का आप वैल्यू जानते हैं जीरो बस इंक्रीज किया तो 1080 हो गया, तो प्रोडक्ट वैल्यू भी सही है। नेक्स्ट है मॉड, मॉड क्या होता है देखते हैं। मॉड नम वन नम टू, दो नंबर का मॉड निकालना, तो क्या होता है, रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नम वन बाई नम टू। दो नंबर का जब हम डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, जो रिमाइंडर जो शेष बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और हम एक्सेल में उसको मॉड फंक्शन का यूटिलाइज करके उस वैल्यू को पा सकते हैं। तो देखिए यदि हम इक्वल टू लगाते हैं और मॉड फंक्शन यूज करते हैं और 12 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं 10 को 12 से जब डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए 10 को 10 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10 और 12 में से 10 जाएगा 2, आपका जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है, रिमाइंडर क्या हुआ, 2 आएगा, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज स्क्वायर्ड नम नम ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है नंबर का, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशंस लगा हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, जो नंबर है वो नंबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या देगा, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, जो नंबर हम दिए उसका स्क्वायर रूट। जैसे हम निकालते हैं ना 4 का वर्गमूल क्या हुआ, स्क्वायर रूट क्या हुआ, 2, क्यों, क्योंकि 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 64 का क्या होगा, 8, क्योंकि 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 64, इसीलिए आपका क्या हुआ, स्क्वायर रूट हमारा एस क्यू आर टी फंक्शन से निकलेगा। तो ठीक, अब देखते हैं एग्जांपल, इक्वल टू एस क्यू आर टी ब्रैकेट में 4 इक्वल टू कितना आया, 2, कितना आया, 2 आया, इक्वल टू कितना आया, 2,
और टू में टू का मल्टीप्लाई करें तो फोर आएगा ना। देखिए डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं और करेक्ट करते हैं, और आप भी इंटरेस्ट लीजिए यहाँ पे कि कैसे क्या होगा, ठीक है। किस वैल्यू, कौन सा फंक्शन से कौन सा वैल्यू हमें आउटपुट मिलेगा। मैच द रिजल्ट विद द फंक्शन स्टेटमेंट्स। तो पहला क्या है, प्रोडक्ट 25 5, दो नंबर का प्रोडक्ट। सेकंड क्या है, SQRT 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। थर्ड क्या है, लेफ्ट माई कंट्री 2, यानी कि लेफ्ट से 2, मतलब स्टार्टिंग से ही दो लेटर हमें देखना है। मिड माई कंट्री, चौथे नंबर के बाद 5 लेटर्स हमें प्रिंट करना है, यानी कि अब इसमें देखते हैं आंसर क्या है। 5 काउंट 1 2 5 माई, यानी कि कौन सा आंसर किसका सही होना, यानी प्रोडक्ट पहला देखते हैं। 25 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 125। आप कॉपी पर उसको चेक भी कर सकते हैं, 125 कितना आएगा, 125। स्क्वायर रूट 25 का क्या होगा, 5, क्यों, क्योंकि 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25। क्लियर है। लेफ्ट माई कंट्री 2, यदि हम लेफ्ट यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से हम काउंट करते हैं तो क्या कितना आएगा, एम और वाई ही आएगा। लास्ट है मिड माय कंट्री, चौथे नंबर से 5 लेटर, COUNT 5 लेटर्स। क्लियर है। सो आई होप ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन एंड मैथमेटिकल फंक्शन, एंड इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।